रायपुर के डीडीनगर थाना पुलिस ने एक युवक को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आयुष उपाध्याय है, जो गोकुल नगर का रहने वाला है। आपको बता दें, देर रात पुलिस गश्त के दौरान युवक ने पेट्रोलिंग पार्टी को देखकर चुप रह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके पास रखे बैग की तलाशी ली तो बैग से 2 किलो से ज़्यादा गांजा मिला है। वहीं आरोपी के खिलाफ डीडीनगर में NDPS एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महादेव घाट के पास शमशान घाट है, हरुण नदी के किनारे। वहाँ पे कल एक लड़का रात को लुका छुपी करते घूम रहा था और कुछ और भी असामाजिक तत्व इकट्ठे थे वहाँ पे। तो जब पेट्रोलिंग में हम लोग गए तो वो लोग भागने का प्रयास किए तो ये लड़का, उसको पुलिस दौड़ के पकड़ाई तो उसके बैग में तलाशी लिए तो करीब 2 किलो 800 ग्राम गांजा मिला, जिसका नाम, लड़के का नाम है आयुष उपाध्याय, पिता संतोष उपाध्याय है। ये महादेव घाट गोकुल धाम के पीछे रायपुर में ही है।